आप देख रहे हैं बेसिक कुकिंग विद मंदीप। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, उसके लिए मैं बना रही हूँ जे कच्चे केले से केले की टिक्की। केले में बहुत सारा फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन सी होता है और पोटाशियम भी बहुत मात्रा में होता है, इसलिए जो लोग फास्ट रखते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, पूरे दिन का न्यूट्रिएंट्स मिलता है इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी मैंने 6 केले लिए हैं, आधा दर्जन ये कच्चे केले हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। सभी केलों को मैंने काट लिया है, अभी हम इनको बॉयल करेंगे। देखिए मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी लिया है, अभी इसमें केले डाल रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने केलों को 2 सीटी लगवानी है और फिर गैस को बंद कर देना है। 2 सीटी लग चुकी हैं, अभी हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए केले बिल्कुल पक चुके हैं, अभी हमने इनको निकाल लेना है। केले मैंने निकाल लिए हैं, ये देखिए। अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद हमने इनकी जो छिलका है उसको उतार देना है। केले थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, अभी हम इसकी जो छिलका है उसको उतार देंगे। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमने सभी केलों के छिलके उतार देने हैं। केलों के छिलके मैंने उतार दिए हैं, अभी हमने इनको मैश कर लेना है। देखिए वैसे तो ये हाथ से ही बहुत अच्छे से हो जाते हैं, अगर आप चाहें तो टमाटो मैशर से कर सकते हैं इसको मैश अच्छे से। इस तरह से बहुत अच्छे से इसको मैश कर लेना है हमने। देखिए बनाना को मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है, आपने ध्यान रखना कि इसमें कोई भी गुटली ना हो, अच्छे से हाथों से आपने देखना है इस तरह से, अगर कोई है तो उसको अच्छे से मैश कर लेना है। अभी मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, आप फास्ट में जो भी मसाले खाते हैं वो इसमें डाल सकते हैं, या मैं थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ इसमें, आप हरी मिर्च डाल सकते हैं इसमें, मैं नहीं डाल रही। इसमें मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ, देखिए नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैं जो 1.5 छोटा चम्मच डाल रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच मैं मिर्च डाल रही हूँ इसमें, आप चाहें तो काली मिर्च डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, मैं इसमें और कोई मसाला नहीं डाल रही। अगर आप चाहें तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं इसमें, नींबू का रस डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। केले से जो मैं टिक्की बना रही हूँ जो फास्ट के लिए व्रत के लिए बना रही हूँ, अगर आप वैसे खाने के लिए बनाएं तो आप इसमें मटर डाल सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल के इसको बना सकते हैं, जो बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको केले का मिक्सचर पतला लगे तो आप सिंघाड़े का आटा डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सा, वैसे जो पतला नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं इसकी टिक्की बना रही हूँ, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। टिक्की बनाने के लिए थोड़ा सा जितनी की आप टिक्की बनाना चाहते हैं वो लें, हाथ में थोड़ा सा मैंने घी लगाया है, देखिए इस तरह से इसको हमने टिक्की की शेप दे देनी है। ये देखिए इसको बहुत ज़्यादा पतला ना रखें, जैसे टिक्की होती है वैसी उसी तरह से बनाना है हमने। अगर आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं इस तरह से। देखिए सारी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं, अभी हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे।
इस बात का ध्यान रखना है कि इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, हमने फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। केले में आयरन और पोटाशियम होता है जिसकी वजह से कई बार टिक्की काली हो जाती है, तो उसमें डरने की बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है, मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, देखिए तेल पूरा गर्म होना चाहिए। अभी मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसकी दूसरी साइड कर देंगे। देखिए टिक्की का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, अभी हम इसको पलट देंगे। ये देखिए इसी तरह से हमने बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। देखिए इसी तरह से हम टिक्की की दूसरी साइड को पका लेंगे। टिक्की हमारी रेडी है, अभी हम इसको निकाल लेंगे। कच्चे केले की टिक्की हमारी रेडी है, मैंने इसको दही के साथ सर्व किया है। आप इसको चाय के साथ, दूध के साथ, या जो हम फास्ट में जो चटनी बनाते हैं उसके साथ खा सकते हैं। ये बहुत क्रिस्पी बनी है, ये देखिए बनाने में बहुत आसान है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।